हेलो मेकनी दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो हमारे बाइक की स्पार्क प्लग होता है दोस्तों, वो कितने किलोमीटर पर चेंज करानी चाहिए दोस्तों और कब चेंज करानी चाहिए दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। कोई सी कंपनी का लेते हैं दोस्तों स्पार्क प्लग, या कोई सी बाइक हो दोस्तों, तो उस बाइक का दोस्तों स्पार्क प्लग कितने किलोमीटर पर चेंज करवानी चाहिए दोस्तों और कब चेंज करवानी चाहिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड शुरुआत करते हैं दोस्तों और जानते हैं कि हमारे स्पार्क प्लग दोस्तों वो कितने किलोमीटर पर दोस्तों चेंज किया जाता है दोस्तों, और हम लोग कितने किलोमीटर पर चेंज करें, और दोस्तों कंपनी भी से किस दोस्तों कितने किलोमीटर पर कहते हैं दोस्तों चेंज करने के लिए, और हम लोग इसे कितने किलोमीटर पर चेंज कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों स्पार्क प्लग की दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों स्पार्क प्लग दोस्तों वो लगभग हमारे हिसाब से 3 से 4 ही प्रकार की जेन वन आता है, जैसे कि बॉस का आता है दोस्तों, चैंपियन का आता है दोस्तों, माइक्रो का आता है और एनजीके का आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पता हो दोस्तों इसके अलावा कोई और जेन्युइन कंपनी आता है दोस्तों, तो नीचे कमेंट कर जरूर लिखेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कोई सी भी कंपनी का लीजिएगा दोस्तों, टीवीएस का लीजिएगा पैकेट में, तो आपको चैंपियन का मिलेगा, माइक्रो मिलेगा, या दोस्तों बॉस का कोई से भी मिल सकता है दोस्तों। इस वीडियो समझ गए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों स्पार्क प्लग हमारा होता है दोस्तों 100 सीसी का बाइक का हो, या 110 सीसी का हो, 125 सीसी का हो, और 150 सीसी का बाइक हो, तो उस बाइक में दोस्तों हमारा जो स्पार्क प्लग होता है दोस्तों वो जो हमारा स्पार्क प्लग का काम होता है दोस्तों बाइक की स्टार्ट करने समय ये चिंगारी पहुंचाना ब्लॉक में, यानी हेड के पास में दोस्तों करंट को पहुंचाना रहता है दोस्तों, कि हमारा कब करंट देनी है दोस्तों स्पार्क प्लग में और कब करंट नहीं देती है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों काम करता है पिकअप कॉइल, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारा आज की वीडियो में लोग समझने वाले हैं कि स्पार्क प्लग कब बदलने चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कंपनी के मुताबिक माना जाए दोस्तों स्पार्क प्लग जो हमारा होता है दोस्तों, वो कंपनी कहती है दोस्तों कि हमारे 12,000 से लेकर और 15,000 के बीच में दोस्तों वो स्पार्क प्लग बदल दीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या होता है दोस्तों स्पार्क प्लग कंपनी के हिसाब से दोस्तों 12,000 से लेकर और 15,000 के बीच में कंपनी कहती है दोस्तों इसको बदल दीजिए दोस्तों। अलग अलग बाइकों के हिसाब से रहता है दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस का हो, या दोस्तों पैशन प्रो हो, ग्लैम्बर हो, दोस्तों बताते पल्सर बाइक हो 160 सीसी, टीवीएस का कोई बाइक हो, हुंडा का भी हो, अपाचे आरटीआर हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप बदल सकते हैं। मैक्सिमम 15,000 किलोमीटर चलाकर दोस्तों स्पार्क प्लग बदल दीजिए, अच्छा रहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया कंपनी के हिसाब से दोस्तों, और हम लोग कब बदले दोस्तों। देखिए दोस्तों अक्सर देखिए बाइक अगर प्लग खराब हो जाएगा दोस्तों तो क्या बाइक मिसिंग करेगी, माइलेज कम देगी दोस्तों, तो मिसिंग करेगी दोस्तों, तो स्पार्क प्लग की वजह से भी मिसिंग करता है दोस्तों, तो स्पार्क प्लग के भी आप लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों मिसिंग की प्रॉब्लम, तो मिसिंग आपको स्पार्क प्लग के द्वारा भी हो सकता है दोस्तों, करंट की कमी की वजह से भी हो सकता है, तो इसके भी वजह से भी आप लोग चेंज कर रहे दोस्तों। बात करें दोस्तों एवरेज माइलेज कम देगा दोस्तों स्पार्क प्लग, अगर ज्यादा खराब हो जाता है दोस्तों, काफी दिन चल जाता है दोस्तों, तो हमारा माइलेज क्या होता है कम देता है दोस्तों। तो माइलेज आप सेट करने के लिए दोस्तों स्पार्क प्लग भी आपको चेंज करना जरूरी है दोस्तों, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कितने किलोमीटर पर दोस्तों चेंज कराने, दोस्तों ये भी बता दिए दोस्तों, कब चेंज करवाने चाहिए दोस्तों ये भी, माइलेज कम दे तभी चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों मिसिंग करे बाइक तभी भी चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब इसको लाइफ आगे दोस्तों कितने लेवल तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर आप 2000 किलोमीटर पर 3000 किलोमीटर पर सर्विसिंग करा रहे हैं दोस्तों, इंजन ऑयल बदलवा रहे हैं, तो उस समय दोस्तों अगर सफाई का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बीच में आप सफाई कर सकते हैं 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आप सफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा सा काफी लाइफ भी बढ़ जाता है दोस्तों, स्पार्क प्लग का हमारा लाइफ बढ़ सकता है, तो इसलिए दोस्तों अगर आप करते हैं लगवाते हैं स्पार्क प्लग, तो दोस्तों आप इसको स्पार्क प्लग को इम्पोर्टेंट है, सफाई करवाना बहुत जरूरी है, कि हर सर्विसिंग में सफाई करें दोस्तों, या अपने घर पर भी सफाई कर सकते हैं दोस्तों स्पार्क प्लग के, इससे हमारा क्या होता है दोस्तों ज्यादा लाइफ बन जाता है, ज्यादा लाइफ चलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमको यही सीख मिला कि हमारे स्पार्क प्लग को
12 से लेकर 15,000 किलोमीटर को दोस्तों चेंज कर देनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले दोस्तों कि हमारा स्पार्क प्लग का जो होता है दोस्तों बार बार क्यों खराब होता है दोस्तों, क्योंकि आज हमने दोस्तों क्योंकि हमारे ओपन दुकान किए थे दोस्तों, तो हमारे कस्टमर आया था दोस्तों, तो वो कह रहा था यहाँ कि हमारा बार बार स्पार्क प्लग खराब हो जा रहा है, वो क्यों खराब हो रहा है ये नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए वीडियो में दोस्तों।